अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजरीन, साल 2019 का सूरज गुरूब हो चुका है। इस एक साल को एहतसाब का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। बड़े बड़े सियासतदान हमने देखा कि पाबंदे सलासल हुए इस साल, और नैब का सूरज पूरी आबोताब से चमकता नजर आया। ऑपोजिशन करप्शन के इल्जामात पर नैब की जेरे हिरासत नजर आई, लेकिन साल के इख्तिताम पर सियासतदानों पर जो इल्जामात थे वो साबित ना हो सके, और एक एक करके तमाम सियासतदान हमें बाहर आते नजर आए। इस साल के इख्तिताम पर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब का सूरज भी गुरूब होता हुआ हमने देखा, और फिर ऑपोजिशन ने मुअस्सर तादाद में होने के बावजूद सबसे कमजोर ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया। सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद भी चेयरमैन सेनेट को ना हटा सके। मौलाना फजलुर रहमान के धरने की अगर बात की जाए तो उस धरने ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया। इस्लामाबाद में दो हफ्ते से जायद धरना भी दिया गया, लेकिन इमरान खान का रेजिग्नेशन लिए बगैर ही उन्हें रुख्सत होना पड़ा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इक्तदार में आने के बाद पहले 100 दिनों में बेहतरी का जो दावा किया, IMF प्रोग्राम में ना जाने का ऐलान भी किया, लेकिन साल 2019 माशी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत भारी साबित हुआ है। डॉलर का रेट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन हाइस्ट लेवल पर जो है हमने देखा, और फिर क्या मईशत का जो हमें हाल नजर आया, और वो जिस तरह से क्राइसिस का शिकार होती नजर आई वो भी उसके ऊपर भी एक सवाल निशान रहा, और फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हुकूमती पॉलिसी से नाखुश भी नजर आई। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा भी हमने देखा। साथ साथ अगर फॉरेन पॉलिसी के एंड पर बात करें तो दोस्त ममालिक से कर्जे भी लिए, लेकिन फिर भी मईशत संभलती नजर ना आई, और पाकिस्तान को आखिरकार IMF प्रोग्राम में जाना ही पड़ा, और उनकी जो सख्त शराइत थी वो भी माननी पड़ी। और हम देखते हैं कि फिर फाइनली हमें 6 बिलियन डॉलर का जो IMF पैकेज था वो मुहाइदे के तौर पर हमने तय किया। अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि क्या इस साल हुकूमत के जो मंसूबे हैं, जो इशू की गई पॉलिसीज हैं, वो कितनी कामयाब होंगी। एक तो आज के शो में हम उन पर बात करेंगे, और फिर ये कि हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जैसा प्रोजेक्ट, शेल्टर होम्स, हेल्थ इंसाफ कार्ड्स, लंगर खाने और जो कामयाब जवान प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स हैं इनका भी ऐलान कर दिया है, तो आने वाले साल में ये तमाम प्रोजेक्ट्स कैसे रहेंगे। और फिर साल 2019 को अदालती कार्रवाइयों पर अगर नापा तोला जाए तो हम देखते हैं कि मुल्क की तारीख के अहम और बड़े बड़े फैसले होते हुए भी इस साल नजर आए, जिनमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस है, और फिर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में फांसी की सजा का फैसला भी शामिल है। इसी साल 2019 में पाकिस्तान को भारत से भी बड़े चैलेंजेस का सामना देखना पड़ा। नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक की नाकाम कोशिश की, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के जो दो जंगी जहाजों को गिराकर भारतीय पायलट अभी नंदन को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान हम देखते हैं कि पाक भारत जंग के इम्कानात शदीद ऊपर जाते हुए नजर आए। दोनों ममालिक के दरमियान जो एयर लिमिटेशंस थी या फिजाई हदूद थी उनमें परवाजें जो है वो बंद भी हुई। हुकूमत ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी बुलाया, वजीर आजम इमरान खान ने अहम खिताब भी किया, और फिर जंग की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान भी हमने देखा इस साल। और अमन को एक और मौका देते हुए फिर जज्बा गैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को हमने देखा कि रिहा भी कर दिया गया, लेकिन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद कश्मीर पर एक बड़ा और वार किया, और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान भारत एक बार फिर आमने सामने जो है आते हुए नजर आए। हुकूमत ने जो सिफारती मुहाज था उस पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और वजीर आजम इमरान खान ने UNGA 74 अक्वामे मुतहदा जनरल असेंबली में अपना तारीखी खिताब किया। अगर बात कर ली जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने दो टोक अंदाज में उसे इनकार कर दिया कबूल करने से। कश्मीर में अगर हम देखें इस साल 2019 के हवाले से, तो कश्मीर में तारीख का बदतरीन कर्फ्यू
इस वक्त भी जारी है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये साल 2019 ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कैसा साबित हुआ। दूसरी जानब अगर हुकूमत की हम फॉरेन पॉलिसी पर बात कर लें, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया था, उसमें हमने एक बड़ा कदम जो है वो उठते हुए जरूर देखा। उसमें करतारपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह हुआ और हमने देखा कि जो सिख कम्युनिटी है उन्हें वीजा फ्री कॉरिडोर फराहम किया गया, और जो खारजा महाज है उस पर हमने और ममालिक की जानब भी हाथ बढ़ाए। हमारा जो दोस्त मुल्क था टर्की और मलाइशिया जो है उनके साथ मिलकर हमने मलाइशिया समिट का ऐलान तो किया, लेकिन फिर सऊदी अरब के दबाव पर इस फैसले से हम पीछे हटते नजर आए, और जो कि एक तरह से बहुत बड़ा ब्लो था हमारी फॉरेन पॉलिसी या खारजा मुहाज पर, जो है एक तरह से इसको एक नाकामी के तौर पर देखा गया है। अब हुकूमत ने 2020 को फलाही साल करार देने का ऐलान कर दिया है और अवाम से वादा किया है कि इस साल माशी मुहाज पर बेहतरी आएगी और रोजगार के मौके मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा होगा। अब अगला साल कैसा रहेगा, क्या वाकई में अवाम को रिलीफ मिलेगा या हालात ऐसे ही रहेंगे, हम इस तमाम मामलात पर बात करेंगे। अपोजिशन हुकूमत को गिराने के दावों में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और वो कौन से अहम काम है जिनकी आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है, इन तमाम सिनेरियोस को हम अंडर डिस्कशन आज लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी इखलाक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक रन डाउन आपको दिया कि 2019 में क्या अहम इवेंट्स जो हैं या अहम फैसले जो हैं हमारे सामने होते हुए नजर आते हैं, और फिर 2020 में क्या उम्मीद रखी जा सकती है। अगर हम चौधरी खलाक साहब आपसे शुरू कर लें, सिंस आप हुकूमत में हैं, हम आपका मौकफ लेके फिर अपोजिशन की जानिब भी जाएंगे, यहाँ पर आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे अहम काम हैं जो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस साल में अंजाम दिए हैं, जिनको कि आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में जो है जाते हैं और ये पॉजिटिव डायरेक्शन आप लोगों ने उठाई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, और इस साल का जो आखिरी प्रोग्राम है हम तीनों दोस्त इकट्ठे करने जा रहे हैं आपके चैनल से, अल्लाह करे कि आने वाला जो 2020 है हम सबके लिए बड़ा मुबारक और खुशियों वाला साल हो। नीलम साहब, जिस तरह आप बात कर रही थी 2019 की, 2019 में सिर्फ मैं अगर समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो एक महंगाई का इशू, वो भी बिलों की सूरत में, बिजली के बिल और गैस के बिल, कमोडिटी की महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा फेक थी, जिस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। और हमारा ये साल इस लिहाज से बड़ा मुश्किल था कि अगर एक घर में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो, आपके वसाइल ना हो, तो आप घर नहीं चला सकते, मुल्क चलाना तो बड़ी दूर की बात है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में, ये बड़ा मुश्किल फिनंशियल साल था पाकिस्तान के लिए जो हमने गुजारा है, महंगाई भी हुई है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें आज पाकिस्तान जहाँ खारजा पॉलिसी में कामयाब खड़ा है, आज इकनॉमिकल सिचुएशन जो इंटरनल पाकिस्तान की है बेहतर है, स्टॉक एक्सचेंज तारीख के बेहतरीन इस वक्त स्टेज पर है, तो जिस तरह ये चीज़ें आगे चल रही हैं और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन है, अगला साल जो 2020 है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी का साल होगा, और जो हुकूमत के प्रोग्राम चलने जा रहे हैं आगे, एहसास प्रोग्राम है, नौजवान कामयाब प्रोग्राम है, ये सारी जो वर्किंग थी एक साल डेढ़ साल की, ये अगले साल 2020 में आप ग्राउंड पर देखेंगे, लोगों की ग्रास रूट लेवल तक हम डिलीवर करेंगे। मैं अपने तजर्बे की बिना पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं 16-18 साल पिछले दौर में भी रहा हूँ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस मेहनत के साथ इस दफ़ा काम हो रहा है, ऑनेस्टी के साथ, इसके सम्राट जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने ग्रास रूट लेवल पर आज नहीं देखे, लेकिन जो आने वाला साल है ये ग्रास रूट लेवल पर आप देखेंगे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, इनके असरात एक आम आदमी पर जाएंगे, और हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो है ही ह्यूमन डेवलपमेंट पर है, हमारा बिल्डिंगें रोड ये सारे बात की बातें हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमारा मैनिफेस्टो भी यही था कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को उठाना है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे शेल्टर होम, लंगर खाने, ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोग
पॉवर्टी लाइन से नीचे पड़े हैं, सबसे पहले उनका ख्याल करना चाहिए। और रियासत मदीना का सबसे बेसिक लेकिन प्रिंसिपल भी यही है ऑलराइट कि आम आदमी की सूरत हाल को बेहतर करना। ये भी हम सवाल उठाएंगे कि क्या 2019 में रियासत मदीना बन पाई या नहीं। लेकिन डॉक्टर मजर इकबाल साहब, अगर 2019 को देखें और ऑपोजिशन की अगर बात करें, तो इस साल में ऑपोजिशन हुकूमत को किसी भी मुहाज पर कोई खास टफ टाइम नहीं देती हुई नजर आई। ना आप लोगों ने पार्लियामेंट में उनको किसी किस्म का टफ टाइम दिया है, ना ही सड़कों पर कोई बड़ी तहरीक पैदा होती नजर आई। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आते हैं लेकिन नाकाम लौटते हैं। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की अगर बात कर ली जाए तो उसमें भी ऑपोजिशन जो है यूनाइटेड नजर ना आ सकी। तो ऑपोजिशन के हवाले से क्या कहेंगे, 2019 में ऑपोजिशन कितनी नाकाम और कितनी कामयाब नजर आई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नीलम, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा आपने रन डाउन दिया है प्रोग्राम के शुरू में कि पूरे साल की जो अहम जो वाकयात और जो भी मुल्की और गैर मुल जो है बैनुल अक्वामी सतह पर, उन सब का खुलासा आपने पेश किया और नाजरीन को वो जो है सारे साल की एक तस्वीर सामने नज़र आई। दूसरा जो है, आपने जो क्वेश्चन किया है उसके हवाले से मैं कहूँगा कि जैसा कि हमने शुरू में ही अपोजिशन ने हुकूमत की तरफ तावन का हाथ बढ़ाया था, आपको याद होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो पहली स्पीच की नेशनल असेंबली में, उसमें मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत और हर तरह के तावन की यकीन दहानी दिलवाई। और हमारा ये फैसला था कि हमने पीटीआई की हुकूमत को खुलकर काम करने देना है और एक साल तक, बल्कि 1.5 साल तक हमने बिल्कुल इनको कोई अपोजिशन ऐसी नहीं देनी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कोई जो है धरने या कोई आपकी जो है कोई सड़कों पे कोई तहरीक या कोई टफ टाइम जिसको कहते हैं कि जिससे इनका पहिया रुक सके। लेकिन जो मकसद ये था कि जो हुकूमत है और जो पार्लीमान है, आपको मालूम है कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों का चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलेंगे तो पार्लीमान चलेगी। पार्लीमान के लिए ये साल बहुत ही बुरा था। आप सूबाई असम्बली, प्रोविंशियल सूबाई असम्बली को ले लें, नेशनल असम्बली को ले लें, वहाँ पर जो कारकर्दगी है, कारकर्दगी के लिहाज से अगर हम अपने गिरेबानों में झांकें, मैं सिर्फ अपोजिशन को नहीं कहता, मैं ट्रेजरी और दोनों को कहता हूँ कि अब अगर हम झांकें तो क्या हम अपने अवाम के मसाइल को हल कर सके? हमने वहाँ पर क्या दिया लोगों को? कानून साजी जितनी हुई वो बलडोज हुई, किसी की मशावरत शामिल नहीं थी, कोई अमेंडमेंट्स अपोजिशन की तरफ से नहीं ली गई, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो थीं वो बिल्कुल गैर फाल थीं, क्योंकि पहली दफ़ा ये था कि नैब का, जैसा आपने जिक्र किया कि सूरज चमक रहा था और जैसा कि अब बिल्कुल अज़रुल मिंतशाह हो गया है, आपने देख लिया है कि नैब स्वाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कुछ भी नहीं था। अब हुकूमत ने, हमने तो नहीं इसमें कोई तरामीम लेके आए, या आप कहें कि हमने कोई इनिशिएट की हूँ, हमने तो अपोजिशन की तरफ से बिल्कुल नहीं की, हुकूमत ने अल्टीमेटली आप देखें कि इस पर भी यू टर्न लिया। देखिए, आप किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए आप रस्ते से दाएं बाएं थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत है। ऑपोजिशन का नहीं कहा जाएगा, ऑपोजिशन ही कहती रही कि नैब का काला कानून है, नैब का काला कानून है। वही कहते रहे आप हमजा शहबाज की, हमजा शहबाज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। जी जी, मैं आपको काटने, आप मेरी बात को काटे रही, मैंने बिल्कुल इस पर आपके साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि जो उसको जो है सपोर्ट करती रही, जो उस कानून को अपोजिशन लीडर्स को पकड़ने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए यूज करती रही, आज वो कहाँ खड़ी है? जब हम उनको ये बात समझाते थे और जब हम इस पर चक्की में पिस रहे थे, तो उस वक्त हम इनको जब ये बात कहते थे तो इनको समझ नहीं आती थी। जब सारा मुल्क इन्होंने स्टैंड स्टिल कर लिया, जब सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे जो है हमारे जो है ताजर हजरात और सारे जो है सियासतदान, जब इन्होंने देखा कि मुल्क स्टैंड स्टिल हो गया है, तो अब इन्होंने जो है वो यू टर्न ले लिया है। अब आप देखिए ना कि वो भी मशावरत के तो बगैर एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में, एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में। जवाद अहमद साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। ऑलराइट जवाद अहमद साहब, ये 2019 जिसका कि आज इख्तिताम है, चंद घंटे बाद ही ये जो है मुकम्मल तौर पे माजी का हिस्सा हो जाएगा, इसमें आपकी राय में हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की थी उसने कैसा डिलीवर किया, चाहे महाजी महाज हो और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैसे हैंडल किया,
इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात करें या इकोनॉमिकली अगर बात करें तो पिछला साल हुकूमत और अवाम दोनों पर बहुत भारी नजर आया है। अवाम पर तो अभी भी भारी है, जो इन्फ्लेशन है, जो दोस्त ममालिक है और IMF है उनसे भी रजू करती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद जो एक मुल्क में इकोनॉमी का हाल था वो कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया। तो अब सवाल ये भी बनता है कि क्या हुकूमत ने मुआशी महाज पर गैर अहम फैसले किए हैं इस साल, जिसकी वजह से मईशत जो है वो कमजोर रही, उस तरह से नहीं उसका स्टार्ट हो सका जिस तरह के एक्सपेक्टेड किया गया था। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए आपको पहले माजी को देखना पड़ता है, और आप तरीके इंसाफ को तो मैं अभी बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं इमरान खान जो है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। इमरान खान का जो माजी है वो ये था कि वो ये कहते थे कि मैं इस मुल्क में ना IMF के पास जाऊंगा, ये वो खुद कहते थे, हम तो नहीं कह रहे ना, उनके मुंह से ही निकलता था सारा कुछ। फिर वो कहते थे कि मैं कर्जे नहीं लूंगा, फिर वो कहते थे कि एमनेस्टी नहीं दूंगा, फिर वो कहते थे कि महंगाई नहीं करूंगा, बल्कि वो ये कहते थे कि महंगाई अगर हो तो इसका मतलब होता है कि हुक्मरान चोर है। उन्होंने बड़े बड़े अजीब दावे उस ज़माने में किए थे, हम सबको मालूम है। और फिर 2018 से बात करूंगा, जब वो आए मसनद पे बैठे इक्तदार की, जो कि मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इमरान खान ने जो पार्टी बनाई है अपनी शख्सियत के गर्द बनाई है और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बनाई है, उनकी पार्टी कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है। और अब तो जब 2018 के बाद से हमने जो देखा है उसके अंदर जो इलेक्टेबल्स आए हैं और जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं सारे मुख्तलिफ पार्टी से, तो साफ पता लगता है कि वही हुक्मरान तबका जो है वो नई पार्टी के नाम से दोबारा विराजमान हो गया आके इकतदार पे, और अवाम के साथ उसका फिर उसी तरह कोई ताल्लुक नहीं होगा जैसे पहले नहीं था। तो इमरान खान की जो 2018 की स्पीच है, मैं उसके बारे में उसका जिक्र करना चाहूँगा। 2018 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, पहली दफ़ा बैठे कुर्सी पर, तो उन्होंने जिस तरह के दावे किए, कोई भी जाके उसकी उनकी स्पीच देख सकता है और सुन सकता है और उसके बाद अपना सर पीट सकता है कि उसके बाद अगला साल जो गुजरता है 2019 का, उस स्पीच के बाद उसमें लोगों पे महंगाई के बम लगाए जाते हैं, हर किस्म के बिल्स, गैस होगी, बिजली होगी, उसको ज़्यादा किया जाता है लोगों के लिए, उस मुल्क में जहाँ मिनिमम वेज, इमरान खान को पता है बड़ी अच्छी तरह, ये चैरिटी का कारोबार, मतलब चैरिटी का काम करते हैं, तो वो जो गरीब आदमी है उसका पता है उनको कि 6,000, 8,000, 10,000 रुपए में काम करता है बड़े बड़े शहरों में। पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये तमाम, इन तमाम की कीमतों में जो इजाफा है वो वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त है इस वक्त आवाम के लिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। चौधरी अखलाक साहब, अब ये हुकूमत के ऊपर अगर हम बात रखते हैं, वजीर आजम की डिलीवरेंस की बात करते हैं, हुकूमत की डिलीवरेंस की बात करते हैं, तो इस साल आपकी हुकूमत को कुछ मुश्किल मसाइल का भी सामना करना पड़ा, कुछ मुश्किल अदालती फैसले भी थे जिनका के ब्लो जो है आपको फेस करना पड़ा। उनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला या वो केस रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे कि आपकी हुकूमत की जानिब से किस तरह से टैकल किया गया, बिकॉज उसमें कहा गया है कि बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया था आपकी हुकूमत की जानिब से। अच्छा, मैं पहले तो अपने दोस्तों की बात का थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जैसे मोहतरम जवाद साहब कह रहे थे और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये इमरान खान की तकरीरें बिल्कुल इसी तरह थी कि हम IMF पास नहीं जाएंगे, महंगाई नहीं करेंगे, फलां काम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी क्या वजह के करने पड़ी, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, कि जो लास्ट गवर्नमेंट की फिगर्स थी इसहाक डार साहब की, जब हम इकतदार में आए 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद, सारी फिगर्स जो वो गलत थी फाइनेंस के बारे में। 2019 में सारी मेच्योरिटीज रखी गई, $9.5 बिलियन जो हमने बड़ी मुश्किल से दो तीन अपने हमसाया दो मुल्कों से या अपने दोस्त मुल्कों से इकट्ठे किए, सारी मेच्योरिटीज इसहाक डार साहब ने 2019 में रखी। इन्हें पता था कि हमारी कारकर्दगी की वजह से हमारी हुकूमत नहीं आनी, ज़्यादा पेमेंट्स हमारा सूद की भी और असल कर्जों की पेमेंट भी 2019 में रखी गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने ये जुल्म किया पाकिस्तानी कौम के साथ, ख़ास तौर पर पंजाब में, कि आप इलेक्शन का जो एक साल है वो उठाकर देख लें, इस बेदर्दी से पैसा तकसीम किया गया डेवलपमेंट के हवाले से। मेरे हलके में सियालकोट में अरबों के हिसाब से फंड दिए गए MNS और MPS को डेवलपमेंट के लिए, कि इलेक्शन जीत सके। ये इस खजाने को इस तरीके से इन्होंने खाली किया। जब हम इकतदार में आए तो हमारे पास जो फिगर थी वो डिफरेंट थी, जब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट में आए तो डिफरेंट फिगर्स आ गई। ये IMF पास जाना, ये फलां जाना, ये हमारी मजबूरी पड़ी है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस चीज़ से आप छुटकारा हासिल करेंगे। आप फिगर देख लें, जो आज सिचुएशन है, एवरी डे डॉलर इज गोइंग डाउन,
तो ये चीज़ें इंडिकेटर्स होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल, आप इंटरनेशनल तजिए देखें, इकोनॉमिकल सर्वे देखें, पाकिस्तान को टूरिज्म के हवाले से नंबर वन कंट्री करार दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ अब चल पड़ी हैं। ये साल हमने बड़ा मुश्किल गुजारा, मैंने पहले भी बात की है कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बड़ा मुश्किल साल लेकिन था अगर जिससे हम निकले हैं। की जारी बात अब अदालती फैसले जहाँ तक हैं, अदालती फैसले नीलम साहब देखें, अदालती फैसले जो हैं, आपने कैसे हैंडल किया अदालती फैसले जो हैं, ये अदालत और कानून मैं तो बेहतर समझता नहीं हूँ, लेकिन हमारे दौर में आप देख लें अदालतें आज़ाद हैं, किसी जगह इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जैसे नैब का कह रहे थे, नैब के चेयरमैन भी इनके थे, नैब बनाया हुआ इनका था, कानून इनके थे, हमने तो आके उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि शफाफ अमल से लोग गुजरें, अगर जिन लोगों ने करप्शन की है वो उसका एक एक पैसे का हिसाब दें, इस गरीब आवाम की लूटी हुई दौलत का एक एक पैसे का हिसाब दें। हमजा शहबाज अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जी काला कानून है, 35 साल हुकूमत करने के बाद अब भी ये मियां शहबाज शरीफ का आप इंटरव्यू देखें जो पार्क लेन से दे रहे हैं कि जी हम आकर ये करेंगे, मुझे हुकूमत दे दे ये करेंगे। ये 35 साल में जो लोग कुछ नहीं कर सके, आगे क्या करना है इस अपोजिशन ने। आप अल्लाह ताला के फजल और करम से बेहतरी का साल है। अपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था चौधरी अखलाक साहब, जवाब अभी नहीं मुझे मिला। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, यही सवाल हम आपके सामने लाते हैं कि इस साल हुकूमत को कुछ मुश्किल जो फैसले थे अदालती फैसले, उनका भी सामना रहा, जिनमें आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का केस एक था और दूसरा था परवेज मुशर्रफ का फैसला जो हमारे सामने आता है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत ने इन दोनों मामलात को सही तौर से हैंडल किया? एब्सोल्युटली नहीं जी। ये देखें ना, इनकी जो लीगल टीम है, जिस तरह इनकी एक मौशी टीम थी ना शुरू में असद उमर की, और फिर वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, इसी तरह इनकी लीगल टीम जो थी वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। कि एक सिंपल सा मैटर जो कि सारी यानी जिसकी प्रेसिडेंसेज हैं और जो होता आया है इस मुल्क में, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ था, उसमें बजाय रीअपॉइंटमेंट के इन्होंने एक्सटेंशन की, और उसमें फिर जिस तरह यानी जो है बेजाबतियाँ उस सारे अमल में हुई, उसकी वजह से एक फ़ौजी सरबराह को और एक फ़ौज के मोतबर अदारे के सरबराह को हजीमत उठाना पड़ी, और अभी तक वो सलूशन नहीं हुआ उसका। पहले इन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ ऑप्शंस लेते हैं, अब आप देखें ना इसमें, अब ये रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं, पहले कानून साजी की तरफ ये चले हैं, और कानून साजी की तरफ जब चले हैं तो इनकी अपोजिशन के साथ किसी मामले में भी उनका जो तमसखराना रवैया था, रवैयों की बात होती है ना, अल्फाज जो हैं वो जख्म जो लगाते हैं वो तलवार से ज़्यादा गहरे होते हैं। आप ये देखें कि जब भी आप रोस्टर पे खड़े होंगे और आप चोर चोर की आवाज़ें लगाएंगे, लोगों को किसी को किसी नाम से पुकारेंगे, यानी सारी कौम की लैंग्वेज ख़राब की है इन्होंने, और जो हमारी पार्लिमानी रवायात को पामाल किया है, जो सियासत में जो रवादारी और बुर्दबारी को इन्होंने ख़राब किया है, और अब तो हालत ये है कि बिल्कुल डेगाड्रॉन वाली कंडीशन पर ये कौम को ले आए हैं। अब इस हालात में कानून साजी इन्होंने अब उसको छोड़ दिया है, रिव्यू पिटीशन में आ गए हैं। इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब के वाले फैसले में आप देखें कि इन्होंने जैसे ही वो फैसला हुआ, पहले तो ये था कि जब देवर इन द गवर्नमेंट दे कुड हैव विदड्रॉन द केस, अगर ये समझते थे कि ये सारा केस जो है, जैसा कि बाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने जो है वो मुशर्रफ को पूरा मौका नहीं दिया, उनके जो है बहुत सारे आस्पेक्ट्स को सुना नहीं गया, तो फिर हुकूमत को इस फैसले से पहले ही अपना जो था उसको केस को विड्रॉ करती और री एग्जामिन के लिए और दोबारा करती। इन्होंने उसको फैसला होने दिया, फिर आप जो है अपील में हैं, फिर आप ये बताएं कि अब आप अपील में कैसे जा सकते हैं। कभी मुदई जो है वो सजा के खिलाफ भी जाता है, उसकी इन्हांसमेंट के लिए जाते, तो हमने सुना है कि इसको अगर सजाए मौत हुई है तो मुदई हमेशा जाता है कि इसको फांसी दी जाए। अब यहां पर ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा हम जुडिशियल रेफरेंस करेंगे। अब आप देखें, अब इन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। इन्होंने एक उनके वकला ने जो है इनकी लीगल टीम की आप एफिशिएंसी देखें कि जो जो ऑप्शंस इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहां पर आकर की, और फिर जिस तरह अदलिया का तमस्खर उड़ाया, आप ये देखें कि इन्होंने सारे अदारे जो हैं बशमूल अदलिया, फौज, एंटी नारकोटिक फोर्स, और आपके जो हैं एस्टेब्लिशमेंट, और आपकी जो है FIA, इन सब अदारों को जो है उनकी क्रेडिबिलिटी को इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, मेरा ख्याल उसको भरने में कई साल लग जाएंगे। अब आप देखें कि इसी अदलिया का अभी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फिरदौस आशिक अवान की,
ठीक है जवाद अहमद साहब, ये हमारे सामने हमने दो बड़े अदालती फैसले रखे हैं, उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि तहरीक इंसाफ की जो तर्ज हुक्मरानी थी और गवर्नेंस था, डिलीवरेंस था, अगर उसको माजी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतों से कंपेयर करें तो आपको किस तरह से मुख्तलिफ नजर आई? क्या बेहतर परफॉर्मेंस जो है और डिलीवरेंस दी गई माजी की दोनों हुकूमतों से, इसको मस्बत अंदाज में आप देखेंगे या मनफी अंदाज में देखेंगे अगर कंपेरिजन करें पिछली की दोनों हुकूमतों से? अच्छा, अदालती फैसले जो आए ना जी पाकिस्तान के अंदर, वो अदारों की आपस की चपकलश का नतीजा है, और ये सबको मालूम है जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है किसी भी मुल्क में तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस होता है कि जो अदारे इक्तदार के ऊपर विराजमान होते हैं, मैं अदारे कह रहा हूँ क्योंकि इधर से सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं हैं जो इस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर हैं, बहुत से लोग हैं जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी तो तमाम अदारे जो हैं उनका कहीं ना कहीं कोई सोर्स ऑफ पावर भी है। हमने इस मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म भी होते देखा है, एक दफ़ा नहीं दो तीन दफ़ा देखा है, और उसके अलावा भी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो पहले कुछ और बातें करते थे इस तमाम इन तमाम चीज़ों के बारे में, अदारों के बारे में भी हर किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की हुई है, वो मौजूद है। अब वो जो इमरान खान है असल में वो टाइम ले रहे हैं, वो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मुझे क्या लगता है वो स्ट्रेटजी उनकी क्या है, कि वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान को जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो पॉलिटिकल बॉडी पॉलिटिक्स जो है उसके पास ज़्यादा पावर आएगी और वो बाकी अदारों से वो थोड़ी सी आप समझें कि इंडिपेंडेंट हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इस हवाले से अगर आप अदालती फैसले देखें तो उनके अंदर इमरान खान का तो कोई रोल है ही नहीं, ना इमरान खान इस तरफ खड़े हैं ना उस तरफ खड़े हैं, वो दरमियान में खड़े हुए हैं, उनका कोई स्टेक ही नहीं है इसमें। और ये सबको पता है, अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया वो साहब जो हर चीज़ पे ट्वीट करते हैं, कोई छोड़ते नहीं कोई चीज़, उन्होंने इस पर ट्वीट तक नहीं किया। मुशर्रफ साहब का जो आपने अभी जो रेफरेंस उसी का भी दे रही है, उन पे उनका क्रूज कंट्रोल पे हुकूमत चल रही है आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक अगर वजीर आजम का कोई रोल नहीं है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें इस साल जो है वो नजर आया वो था एहतसाब का। वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं कि 2019 का साल कैसा रहा और इसमें क्या परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस नजर आई हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से। और अगर इस साल को एहतसाब का साल कहा जाए तो नाज़रीन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं वो नैब के अरेस्ट में आते हुए नजर आए, लेकिन उनके खिलाफ जो केसेस किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक जो है वो पहुंचते नजर ना आ सके। और फिर एहतसाब के अमल को ये भी कहा गया ऑपोजिशन की जानिब से कि ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए ही एहतसाब का अमल जो है नैब का इदारा इस्तेमाल हो रहा है, हुकूमती अराकीन एफआईए और नैब जैसे इदारों की पहुंच से दूर ही नजर आए हमें इस साल। और सवाल ये उठता रहा कि क्या एहतसाब का अमल शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं। अगर हम बात कर लें नवाज शरीफ साहब की रिहाई के हवाले से तो क्या हुकूमत के लिए एक बड़ा फैसला था? क्या हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए जो जमानत की शर्त रखी लेकिन शरीफ फैमिली ने अदालत से फिर फैसला लिया और वो बाहर जाते हुए नजर आए और वो चले भी गए, तो क्या इस फैसले के मुतालिक भी कहा जा सकता है कि हुकूमत इस मामले को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाई और फिर एहतसाब के अपने ही नारे जो है वो उससे पीछे हटती हुई भी नजर आई है हुकूमत इस साल के आखिर तक, जिसको कि ऑपोजिशन कह रही है कि नैब ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि ये एनआरओ प्लस है। मैं अगर चौधरी खलाक साहब आपकी जानिब आऊं तो हमने जैसे कि आपके सामने मेंशन किया कि इस साल जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें नजर आया आपकी हुकूमत के हवाले से वो एहतसाब का था, अकाउंटेबिलिटी का था, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी जो है कंडक्ट की गई? क्या आप लोगों ने थॉरो अपना 100% जो है आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने में अंजाम दिया? सबसे पहले तो बात यह है कि एहतसाब में जब ये लोग पकड़े गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि जी अपोजिशन को पकड़ पकड़ के अंदर दिया जा रहा है, अगर ये रिहा भी हो रहे हैं तो फिर भी हम ब्लेम दे रहे हैं, हालांकि ना हम गिरफ्तार करने वालों में ना छोड़ने वाले हैं, अदालत से उन्हें रिहाई मिली है, नैब की इंक्वायरीज हैं, टोटली ये इंडिपेंडेंट अदारे हैं, इनका गवर्नमेंट का कोई इस पर इन्फ्लुएंस नहीं है। जब इनको पकड़ा जाता है तो ये शोर में जाता है नैब इनकी है, जब इनको छोड़ देते हैं तो फिर भी कहते हैं नैब इनकी है, किसी एक जगह तो ये खड़े नहीं हो रहे। और यकीन जानिए टाइम विल प्रूव कि अल्टीमेटली देखें, अलीम खान भी तो पीटीआई से थे, सप्तैन खान भी हमारे मिनिस्टर पीटीआई से थे, वो उन्होंने भी नैब की इंक्वायरियाँ फेस की हैं। अब जिन लोगों ने हुकूमत की है, एक्सरियर टाइम उन्होंने गुजारा है, उन्हीं ने अपना हिसाब देना है ना,
पीटीआई के लोग तो अब हुकूमत कर रहे हैं, आने वाले जो 4 साल 5 साल गुजरेंगे तो फिर इनका एहतसाब होगा ना, किसने क्या किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। अब ज़्यादातर तादाद इन लोगों की है, इन्होंने हुकूमत की है, इन लोगों का ये एहतसाब होना है। हमारा तो इसमें देखें, अब नवाज शरीफ को आपने कहा, नवाज शरीफ को अदालत ने टाइम दिया है, अदालतों के फैसलों का हम एहतराम करते हैं, आइंदा भी करेंगे। जुडिशल जितने भी डिसीजन है उसमें गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है। अब देखें आप इसकी जो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत दे। वजीर आजम हैरान भी होते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि हालांकि फैसला जो वजीर आजम नवाज शरीफ का बाहर जाने का था, हैरान तो सारी कौम हुई है, हैरान तो सारी कौम हुई है, लेकिन अदालत का फैसला है, हमारा हुकूमत का फैसला नहीं है। वजीर आजम बड़े हैरान हुए जब उन्होंने जाते हुए देखा नवाज शरीफ साहब को। हम यहाँ पर ऑपोजिशन का भी व्यू ले लें, डॉक्टर मजर इकबाल साहब, एक तो ये एहतसाब के मामले को लेकर यही सवाल आपसे भी है कि आपकी जानिब से ये क्यों तनकीद होती हुई नजर आई कि एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का हो रहा है, जबकि ऑब्वियसली आप लोग रहे हैं इतने अरसे से गवर्नमेंट में, तो ऑब्वियसली आपके आपके हवाले से जो अकाउंट्स हैं, आपके हवाले से जो मामलात हैं, उन्हीं को पिकअप किया जाएगा। कि ये अदालत का फैसला नहीं था जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पार्लियामेंट का फैसला था, अदालत का फैसला। प्लीज आप पहले सुन लें, ये पार्लियामेंट का फैसला था, और जब इमरान खान ने इस पे हर्जा रसाई की तो फिर आपने चीफ जस्टिस साहब का आपने सुना कि उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ मॉडलिटीज तय की हैं, फैसला तो आपका है, कैबिनेट ने डिसीजन दिया था और पूरी रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड्स इनके पर्सनल, इनके गवर्नमेंट के सबको देखते हुए, और फिर उसके ऊपर इन्होंने खुद फैसला दिया कि उन्हें जो है उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उठाया, और फिर बॉन्ड के ऊपर जो इन्होंने एक वो उसकी शर्त रखी थी उस पर अदालत ने मॉडलिटीज में सिर्फ फर्क डाला, इजाजत इन्होंने खुद दी, और फिर उसके ऊपर अफसोस करना और उस पर ये इस तरह करना ये ग्रेसफुल नहीं है। और सेकेंडली जो है एहतसाब के हवाले से आपने जो क्वेश्चन किए हैं, तो एहतसाब जो है वो देखिए, इनकी गवर्नमेंट को मैं तब मानता कि अगर ये अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आप देखें ना, दैट्स अ बिगेस्ट टूल टू ऑडिट ऑल द प्रीवियस जो है आपके जो है जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, उसमें इनकी फालियत क्या है, क्या इनके मिनिस्टर्स ने अपने महकमों में पुराने जितने प्रोजेक्ट्स थे उनके ऑडिट करके और उनमें से कोई केसेस बनाए। ये खुद टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि हमने तो एक केस भी नहीं बनाया, ये सारे पुराने केसेस थे जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, इनमें इनकी क्या एफिशिएंसी है। दूसरा आप ये देखें कि जो इनके क्लेम्स थे कि हम बाहर से जो है वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा और जो इन्वेस्टमेंट्स इन दुबई अबू धाबी जो वहाँ पर इतने पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स किए गए हैं, इतनी 200 जायदादें हैं, इमरान खान साहब तंजिया मुस्कुराहट के साथ आके कहते थे आज ही मुझे इतला मिली है इतनी सी बिल्डिंगें हैं। मैं हैरान हूँ कि इनके वो जो शर्लक होम्स हैं शहजाद अकबर साहब उनका, और फिर ये आखिरी जो इनका जो एक बहुत ही हजीमत वाला जो एक वाकया जो आपके बहरिया टाउन के आपके जो मालिक हैं उनकी जो आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट हुई, और उस पैसे को जो कि उन्होंने यूटिलाइज किया है, जो कि उन्होंने अपने जो है उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइन था उसको पे करने के लिए यूज किया है, उसका क्रेडिट लेने की भी इन्होंने कोशिश की है। इस साल के हवाले से डॉक्टर मजर इकबाल साहब, अगर आप मेरा ये क्वेश्चन सुन ले इसको भी एड्रेस कर दीजिएगा कि ऑपोजिशन पर भी सवाल तो उठाया जा रहा है इस साल को लेकर कि मुस्लिम लीग नून जो कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी समझी जाती है, उसके बावजूद आप लोगों ने पार्लियामेंट में जो डिलीवरेंस है वो नहीं होने दी, या आप लोग जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए आकर सेशंस को जो है करते हुए नजर आए, सेशन में बात करते हुए नजर आए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स अपने जो मेंबर्स थे जिनको इजाजत नहीं मिल रही थी, या जो मेंबर्स आ जाते थे प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद वो अपने केसेस प्रोसिक्यूट करते नजर आए, तो ऑब्वियसली अवामी इश्यूज पर ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में मुतहरिक नजर नहीं आई। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहली दफा हुआ है कि जो आपके पार्लियामानी लीडर्स थे सूबाई असेंबली में वो उनके ऊपर केसेस बना के विक्टिमाइज करके उनको जेलों में डाला गया। फिर ये है कि अगर प्रोडक्शन का कानून था और ये सूबाई असेंबली में, जैसा कि मैं क्रेडिट देता हूँ पीटीआई को कि उन्होंने जो है उसमें भी ले आए, नेशनल असेंबली में तो पहले ही मौजूद था लेकिन फिर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसका देखें, आपको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हुकूमती सॉरी अवामी नुमाइंदे हैं, उनको आप जो है असेंबली से बाहर नहीं रख सकते।
پھر جو ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا, اور پھر وہاں پر جو ہے انہیں بلکہ یہ ڈکٹیشن لیتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ نہیں آتے تھے. اس سے نیچرلی ایک جو ہے وہ اسمبلی میں جو کنڈیوسو ایٹماسفیئر تھی وہ کریٹ ہی نہیں ہونے دی گئی. بلکہ ہمیشہ جب بھی کوئی بڑا نیشنل مسئلہ آیا, کوئی بہت بڑا قومی مسئلہ آیا, انہوں نے اس موقع پر ایسی گرفتاریاں کیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہر اس موقع پر جہاں پر قوم کو یکجہتی کی ضرورت تھی کشمیر کے ایشو سے لے کے, انہوں نے اس یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے لیے آپ کی جو میجر پارٹیز کے ہیڈز کو گرفتار انہی دنوں میں کیا. آپ پورا سال کا تجزیہ کر لیں. کشمیر ایشو پر تو ہمیں اپوزیشن اپنے مسائل پر زیادہ فوکس نظر آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کشمیر ایشو پر ان دنوں میں انہوں نے شہباز شریف کو پکڑا, خاقان عباسی کو پکڑا جان کر, انہوں نے جان کر تاکہ قومی یکجہتی نہ پیدا ہو. اگر یہ پھر انہوں نے کشمیر کو جس طرح دیکھے نا. جواد احمد صاحب ہولڈ آن, جواد احمد صاحب ہم ایک اور معاملہ دیکھتے ہیں اس سال جو کہ بڑا تنقید کا نشانہ بنتا ہے اپوزیشن کی جانب سے. ایک تو یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس وہ کہتے رہے کہ شفاف نہیں ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ میٹر رہا تنقید کا نشانہ بنتا رہا وہ پارلیمنٹ جو ہے آرڈیننس, پارلیمنٹ کو اگنور کر کے ایک طرف رکھ کے آرڈیننس کے تھرو جو ہے حکومت کو چلانا. تو یہ آرڈیننس رن گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں نظر آیا اس پورے سال. تو اس کا قصوروار کس کو ہم ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا اپوزیشن جو ہے وہ قصوروار ہے کہ جو ورکنگ پوزیشن یا ورکنگ ریلیشن شپ میں آئی نہیں سکی حکومت کے ساتھ, یا حکومت قصوروار ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ لائی نہیں سکی, اور یا یہ کہ اگر حکومت کو موقع اپوزیشن کو موقع دیا گیا تو اپوزیشن نے یا اس کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پر جو استعمال کیا جس کی وجہ سے مجبوراً آرڈیننس کے طور پر جو ہے گورنمنٹ کو کام آگے لے جانے پڑے, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری میں نے جیسے پہلے کہا ایک پولیٹیکل کلاس کا مسئلہ ہے. میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں اس دفعہ. مجھے پتا ہے آپ درمیان میں مجھے وہ روکتی ہیں, شاید کوئی پالیسی کی وجہ ہوگی, لیکن یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان شیخ رشید کو کیا کہتے تھے, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو کیا کہتے تھے, اور اس کے بعد یہ ان کو چودھری شجاعت اور پرویز الہی جو ہیں ان کو کیا کہتے تھے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سارے ان کے ساتھ آ گئے. اب آج کل آپ بلاول زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں, ایم کیو ایم کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آئے, اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کو روک رہے ہیں. اسی طرح مسلم نون جو ہے اس کے اندر آپ پاس بھی بہت سے آپ کو ایسے انسٹنسز ملیں گے جب یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں, کبھی اس کو لے کے آ رہے ہیں, کبھی اس کو نکال رہے ہیں. یہ پوری میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ہمارا ایک ایکومن جو ہے ہمارا صحیح نہیں ہے. ہماری اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کلاس ہے, وہ خاص کلاس موجود ہے اور وہ آپس میں لڑائیاں کرتی ہے. ان لڑائیوں کا انسانوں جو اکثریت ہے انسانوں کی پاکستان میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. عام لوگوں کے تو مسئلے یہ ہیں کہ ان کو تعلیم چاہیے, صحت چاہیے, روٹی کپڑا مکان چاہیے, عزت چاہیے, روزگار چاہیے, یہ تو ان کو نہیں ملتا ان لڑائیوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہوتا کیا ہے کہ تحریک انصاف اس لیے لے کے نہیں آتی بل, تحریک انصاف اس لیے کوئی وہاں پہ نہیں پاس کراتی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اپوزیشن اتنی ہیوی ملے گی اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک ویکنیس سامنے آئے گی کہ ایک لا ہی نہیں پاس ہو سکا, بل ہی نہیں پاس ہو سکا, تو وہ سہارا لیتے ہیں آرڈیننسز کا. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آرڈیننسز رن جو گورنمنٹس ہوتی ہیں بلکہ سسٹمز جو ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ چیلنج ہوتے ہیں کورٹس میں. کورٹس میں تو آپ ایکچولی پارلیمنٹری ڈیسیجنز بھی کر سکتے ہیں چیلنج, لیکن اس کے پیچھے ایک پورا کور ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. کورٹ کو بھی دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ ہی کر سکتی ہے نا کورٹ, منا تو نہیں سکتی. لیکن جب آپ سرداری آرڈیننس لے کے آتے ہیں تو آپ ایک سیکنڈ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں بار بار, اگر تو اپوزیشن کے ساتھ ڈیلز چل رہی ہیں کوئی, جس میں ہمیں دیکھا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, عمران خان صاحب نے اس کے اندر کوئی ان کو رکاوٹ نہیں پیدا کی, اسی طرح آصف زرداری صاحب کو ضمانت پہ رہا کیا گیا, اس میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی, تو اگر تو یہ معاملات ہیں اسی طرح چلیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آرڈیننس شاید چیلنج نہ ہوں. عام آدمی چیلنج کرے لیکن پارٹیز چیلنج نہ کرے, جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت. لیکن اگر یہ نہ ہوا اور انہوں نے چیلنج کیا اور کوئی اور ان کو باہر سے مطلب اندر سے کوئی اور پریشر نہ کیا ڈالا گیا ان پہ, یا ہماری جیسی پارٹیز اگر یہ رٹ لے کے چلی گئیں, تو ان آرڈیننسز کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو دو منٹ میں خارج کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط بات ہے. اس ملک کے اندر پارلیمنٹ موجود ہے, آپ چاہے ویک ہیں چاہے آپ اسٹرانگ ہیں, آپ کو ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, اور آپ کو ہم نے ووٹ دے کے بھیجا ہے.
है सारी कौम ने, अगर वोट दे के आपको वहां भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि आप लोगों के लिए कानून बनाए। अगर आप कानून नहीं बना सकते तो आप बताएंगे जी हमसे अभी नहीं बन रहा क्योंकि ये लोग हमें बनाने नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप ये बातें नहीं करेंगे ऑर्डिनेंसेस में चले जाएंगे तो ये ज्यादती होगी सारी कौम के वोट के साथ दोनों जानिब से। ऑलराइट ठीक ठीक, यहाँ पर चौधरी खलाक साहब क्विकली हम आपकी जानिब आएंगे। इस साल हम देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी महाज है उस पर हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसका कि सामना करना पड़ता है वो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है आर्टिकल 370 के तहत जो है उसका खात्मा करना जो है वो एक चैलेंज सामने आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वजीर आजम ने UNGA 74 में जो खिताब किया उस पर वो बड़ा खुलकर कश्मीर पर बात करते हैं, और इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो सालसी की का किरदार अदा करने की पेशकश थी वो बड़ी रद्द कर दी जाती है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। तो ये अगर हम साल 2019 की बात कर लें और कश्मीरियों के हवाले से बात करें तो ये कश्मीरियों के लिए, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरियों के लिए खासा भारी साल साबित हुआ है, क्योंकि कश्मीर में कर्फ्यू को 150 रोज गुजर चुके हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कर्फ्यू है। भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें हैं वो रकम करती नजर आ रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से ह्यूमन राइट्स की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कश्मीर इशू का हल किस तरह से मुमकिन होगा और कैसे मुमकिन होगा। यहाँ पर चौधरी खलाक साहब क्या फरमाइएगा, वजीर आजम इमरान खान जो है वो बड़ा भरपूर खिताब करते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, लेकिन इसका हल आगे कैसे क्या स्ट्रेटेजी आप लोग जो है कायम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कश्मीर इशू 72 ईयर से जो है वो चल रहा था, लेकिन जिस दिन से UNO में स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस दिन से लेकर आज दिन तक देखें हिंदुस्तान में दिन ब दिन जो है वो इंतशार फैला है। आज 12-13 स्टेट्स उनकी बंद हैं ऑलमोस्ट, ये सारा उसी चीज़ का सिलसिला है जिस तरीके से कश्मीर इशू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हाईलाइट किया है। इंटरनेशनल NGOs इन्वॉल्व हो गई हैं, यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व हो गई है, ये पहले इस तरह कभी नहीं था। आज पहली दफा आप देखें कि कश्मीर इशू के मसले में मोदी गवर्नमेंट जो है, इवन आप देखें मोदी की गवर्नमेंट को आप RSS की हुकूमत को गिना जा रहा है, इंडिया की तो हुकूमत ही नहीं उसको कहते, किसी BJP की गवर्नमेंट को नहीं आप कहा जा रहा, अब वो कहते हैं RSS की हुकूमत है वहां पर। तो ये चीजें जिस तेजी से आगे चल रही हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी नज़दीक है, बल्कि मैं कहता हूँ इंडिया ब्रेक होगा इंशाल्लाह ताला, जिस तरीके से इस वक्त इंडिया के अंदर ये सारी तहरीकें अपना सर उठा रही हैं। अब तो सोशल मीडिया पे इंडियन चैनल्स पर आप देखें वहाँ नारे लग रहे हैं आज़ादी के, कश्मीर के अलावा बाकी स्टेटों में, असम में। चौधरी अखलाक साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब और जवाद अहमद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन साथ साथ अगर 2019 को देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी सामने आता है, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का है, जिसमें कहा गया कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है 2019 में एक मिसाली अंदाज में सामने नजर आए, जिसका हम बार बार इजहार देखते हैं वजीर आजम की जानिब से भी किया जाता है, लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये इसी तरह मामलात और ताल्लुकात बरकरार नजर आएंगे साल 2020 में या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी जानिब से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।